हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरडी क्लासरूम। आज हम लोग बात करेंगे वर्ब सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। देखिए वर्ब सीरीज के जो पहले वीडियोस है रिगार्डिंग रेगुलर वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सारे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशंस और वो कहाँ पे यूज होता है, एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप विद द सब्जेक्ट बट पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब क्या है कि अगर एक सेंटेंस में अगर एक वर्ब है वो सब्जेक्ट तक नहीं रुक रहा है, वो ऑब्जेक्ट तक भी जाएगा, तब उस वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसके आगे जो वर्ब है उसी वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सेंटेंस से। देखिए बोर्ड में शी इज प्रिपेयरिंग एक सेंटेंस है जहां पे लिखा हुआ है शी इज प्रिपेयरिंग। शी हमारा सब्जेक्ट है, प्रिपेयर जो है वो वर्ब है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं लिखा गया है। तो सेंटेंस देख के हमें ये एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि क्या प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे। तो जब हमारे पास ये सवाल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब प्रिपेयरिंग के बाद एक ऑब्जेक्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारे मन में ये सवाल आता रहेगा ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। शी इज़ प्रिपेयरिंग व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन टू द वर्ब देन हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ऑब्जेक्ट के तौर पे आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कि शी इज प्रिपेयरिंग डिनर, शी इज प्रिपेयरिंग अ ग्रीटिंग्स कार्ड, शी इज प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट, तो ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन प्रिपेयरिंग के बाद इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा तब ये सेंटेंस कंप्लीट लगेगा, राइट। तो इसी का मतलब ये है कि प्रिपेयरिंग जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, राइट। अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, बोर्ड पे देखिए द बर्ड्स आर फ्लाइंग, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स है, उसके बाद देखिए फ्लाइंग, तो फ्लाइंग क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो हमें पता है कि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट सेंटेंस में रहता है, लेकिन इस सेंटेंस में द बर्ड्स आर फ्लाइंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट होना क्या ज़रूरी है? जो पिछले हमने सेंटेंस देखा वहाँ पे प्रिपेयर के बाद एक ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसके पीछे एक ऑब्जेक्ट लगाने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जिस सेंटेंसेस में आपको दिखेगा कि इसके पीछे जो वर्ब है उसके पीछे ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसका मतलब ये है ये जो वर्ब्स है ना उसे ही हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या हुआ, जहाँ पे सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है हम उसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब एज वेल। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट स्टॉप्स विद द सब्जेक्ट देन देयर इज नो नीड ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द वर्ब इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहे तो जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती एक सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हम लोग उसी वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, हमने एग्जांपल्स भी देखा, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अभी ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब समझेंगे कैसे, सेंटेंस में अगर है तो कौन सा वर्ब ट्रांसिटिव है, कौन सा वर्ब इंट्रांसिटिव है, ये हमें समझना भी ज़रूरी है। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा चीज़, सेंटेंस में आपको क्वेश्चन करना है व्हाट और हुम। अगर ये आप सवाल करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, कैसे वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। तो इस तरीके से अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना क्वेश्चन करके, तो मतलब वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, व्हाट और हुम ज़रूरत नहीं है वहाँ पर क्वेश्चन करने की, तब वो वर्ब क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए और कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे आप लोग समझेंगे कि हम लोग समझे कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, द बेगर वांटेड सम फूड,
तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, बेगर, वॉन्टेड इज योर वर्ब, एंड देन फूड जो है वो है ऑब्जेक्ट. तो मैंने क्या कहा था, आपको सवाल करना है. तो किसको सवाल करेंगे, वर्ब को, मतलब क्या चाहिए, व्हाट. तो बेगर इज वांटिंग व्हाट. तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या है, फूड. तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, बेगर क्या चाहता है वो हमें जानना ज़रूरी है. तो इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट ज़रूरत है. तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज़ फूड. तो इसका मतलब जो वांटेड है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब. तो इस तरीके से आप लोग सवाल करोगे और आपको जवाब मिल जाएगा कि वहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द गर्ल इज़ लाफिंग. यहाँ पे देखिए, गर्ल सब्जेक्ट हुआ, लाफिंग वर्ब हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है. हम क्या सवाल कर सकते हैं, व्हाट और हुम. द गर्ल इज़ लाफिंग व्हाट या फिर हुम, ये सवाल करके यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब ये, हाँ ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे मतलब लाफिंग क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब. अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. देखिए, द ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग. तो मतलब क्या है कि ओल्ड मैन जो है वो वॉक कर रहा है. तो वर्ब हो गया वॉक एंड सब्जेक्ट हो गया ओल्ड मैन. इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत यहाँ पे महसूस ही नहीं हो रहा है. जो क्वेश्चन है व्हाट और हुम, अगर आप करोगे तो यहाँ पे कुछ भी आंसर ही नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब वॉकिंग जो है वह यहाँ पे एक इंट्रांसिटिव वर्ब का काम कर रहा है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. देखिए, एवरीबडी एन्जॉयड द गेम. तो यहाँ पे एवरीबडी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, एन्जॉय जो है वो है हमारा वर्ब. हम सवाल करेंगे एन्जॉय को कि व्हाट, एन्जॉयड व्हाट. तो मतलब यहाँ पे आंसर आ रहा है द गेम. तो इसका मतलब ये है कि एवरीबडी एन्जॉयड द गेम इज़ द ऑब्जेक्ट हियर. तो इसका मतलब एन्जॉय जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है. तो इस तरीके से आप लोग सवाल करोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव है. सो ये था आप लोगों के लिए ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को लेके मेरी तरफ से एक कॉन्सेप्ट, जो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है मेरे वीडियोस, एंड शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स के साथ. और बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मैं देखती हूँ बहुत लोग आते हैं चैनल्स पे, देखते हैं मेरे वीडियोस, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर दबाइए, क्योंकि जो मैं नए वीडियोज़ लाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको वैसे ही मिलेगा. सो आज के लिए इतना ही. सो बाय बाय.